झूलेलाल बेड़ा पार, ये नारा हिंदू भी लगाते हैं और मुसलमान भी। ये दरगाह एक ऐसे बुजुर्ग की है जिसके एक तरफ समाधि है और एक तरफ कब्र। मुसलमान कब्र पर और हिंदू समाधि पर फूल चढ़ाते हैं। उडेरोलाल की दरगाह कराची से 186 किलोमीटर के मुफासले पर है। तेज ड्राइविंग करते हुए आप यहां पर 2 घंटे और 38 मिनट में पहुंचते हैं। सफेद रंग के गुंबदों वाली इस दरगाह के अंदर मुसलमान और हिंदू एक साथ इबादत और पूजा करते हैं। आज हम जहां खड़े हैं ये है उडेरोलाल। इस का जो मंजर है वो 2 रवायतों से है। हिंदू धर्म वाले भी इसको मानते हैं और मुसलमान जो है वो भी इसको अकीदत से मानते हैं। और यहाँ 2 रवायत कायम है। आगे चल के हम पूछते हैं कि ये रवायत क्या है। मुझे मस्जिदों की खबर नहीं, मुझे मंदिरों का पता नहीं, मुझे मस्जिदों की खबर नहीं, मुझे मंदिरों का पता नहीं, मेरी आजिज़ी तू कबूल कर, मेरी आजिज़ी तू कबूल कर, मुझे और दर्द मलाल दे, मुझे और दर्द मलाल दे, किसी दर्द मंद के काम आ, किसी डूबते को उछाल दे। ये निगाह मस्त की मस्तियाँ, ये निगाह मस्त की मस्तियाँ, किसी बद नसीब पे डाल दे, किसी बद नसीब पे डाल दे। हम उडेरोलाल के मजार के अंदर हैं और जहाँ मैं ये खड़ा हुआ हूँ, ज़ायरीन यहाँ पे अपना नजराना वगैरह जो भी इस पेटी में डालते हैं। ये जो कैरेटी बॉक्स बना हुआ है, ये इसकी जो सन है 1912 में ये बना है। मुसलमान इस बुजुर्ग को शेख मोहम्मद ताहिर भरक्यो, ख्वाजा खिजर और हिंदू अमरलाल, उडेरोलाल, जिंदा पीर, पानी का पीर और झूले लाल के नाम से पुकारते हैं। इस शहर का नाम उडेरोलाल भी इसी बुजुर्ग के नाम से रखा गया है। हमने सुना है कि यहाँ 2 रवायत हैं, इसके बारे में हमें मालूमात दीजिए। हमें मालूम देते थे, मैं फकीर हूँ, ये उडेरोलाल का है मज़ार, हिंदू उसके मुरीद हैं, हिंदू उसके मुरीद हैं, रवायत इसकी है, नाम इसका उडेरोलाल है, कानवास ये मानते हैं, मंदिर मंदिर भी है, उसको पूजा करते हैं, पूजा पाठ भी करते हैं, पर बजाय हमारे बड़े हैं जो जिसने ये ज़मीन दी थी, वो बेचारे अंदर हैं, वो भाई हैं, उन्होंने बख्शिश दी थी, हमारे बड़े हैं, डाढ़े पर डाढ़े, मैं इस कदीमी, मैं इसका फकीर हूँ, बुहारीदार हूँ, अभी मेरे हाथ में बुहारी है, जानवास मैं उसका उतोली हूँ, बुहारीदार हूँ, इसका ये मानते वाले जगह हिंदू लोग। सरकार ये जो घंट लगा हुआ है जी, जी इसकी क्या है माना? ये साईं का ओम बोलते हैं, इसका जिस तरह अपना कलमा सुगर होता है, इन हिंदी में इसको ओम बोलते हैं, जिस तरह अपना मुसलमान ला इलाहा मोहम्मद रसूलुल्लाह बोलते हैं, ये हिंदी धर्म में इसके ओम बोलते हैं। ये बुजुर्ग नसरपुर के गांव में पैदा हुए। उडेरोलाल को झूले लाल भी कहा जाता है। जब वो पैदा हुए तो उनका झूला खुद ब खुद झूलता था। हिंदुओं का अकीदा है कि वो परवाज भी करते थे और मछलियों पर सफर करते थे। एक रिवायत के मुताबिक एक जालिम हुक्मरान उडेरोलाल में हिंदुओं को जबरदस्ती मुसलमान करता था और उनकी जिंदगी अजीरन बना दी थी। उडेरोलाल उनकी मदद के लिए आए थे और हिंदुओं और मुसलमानों को हम आहंगी का दर्स दिया। साग करके लगाया, साईं फिर फूटे था, साईं के फूटे था, फिर साईं का ये साईं का पहली करम जी बाबा जी ये साईं जी। फिर 2 किस्म के पीलू थे, एक लाल एक सफेद,
तो ये साईं के पीलू होते हैं, फिर शुगर के लिए पान है, ये पन खाते आदमी आगे अकीदा है शुगर के लिए भी लेके जाता है। ये गोड़ जो था जहेजें का था, फिर हमारे बड़े को ये लकब दिया, शेख का लकब दिया हमारे बड़े साईं उडेलाल बाबा ने, हमारे शेख का लकब दिया। बाणिया लोग साईं ये ज़्यादा मुरीद है, मुर्शिद करके मानते हैं, झूलेलाल बोलते हैं, अमरलाल बोलते हैं, श्री अमरलाल बोलते हैं, झूलेलाल बोलते हैं, जिंदावली बोलते हैं, ख्वाजा खिदर बोलते हैं, श्री अमरलाल बोलते हैं। हम अपने मुसलमान जो बोलते हैं शेख मोहम्मद ताहे नाम इधर, वो चीज़ इकट्ठी हमारी मंदिर मस्जिद दरगाह दोनों बात एक पहिया है, एक मोहब्बत है, एक पास नमाज होती है, एक पास हिंदू लोग अपने इबादत करते हैं मंदिर की, वाहिद वह चीज़ हमारे पे एक ही मोहब्बत है हमारे पास, एक ही मोहब्बत है, एक नंगर एक प्लेट होती है साईं, वाहिद वह चीज़ हमारी इकट्ठी है हमारे। तो धूनी वूनी जो देते हैं, हाँ धूनी है, धूनी जो भी देते हैं साईं के खुशबूदार देते हैं, खुशबू देते हैं, फिर साईं के टीला घुमाते हैं जो वो साईं के वास देते हैं, वास देते हैं साईं के, हर सुबह को 5 बजे देते, शाम को मगर के दौरान पे 2-3 देते हैं साईं, वास दो टाइम वास। मेले कितने इसके साईं चेटी चंद लगता है साईं का बड़ा मेला, अच्छा। उस मुबारक लगता है चेटी चंद, दो मेले लगते हैं अप्रैल में होता है, हिंदी जो ही बोलते हैं चेटी चांद, इसके साईं का मेला लगता है अप्रैल में, अप्रैल 3 दिन, एक रात जो होते हिंदू लोग के होती है, 3 दिन हमारे मुसलमान के होते हैं। दूसरा मेला, दूसरा जो लगता है असू में, अभी अभी हो गया है, अच्छा साईं का छोटा मेला गुजर गया, एक रात होती है, रात को 9 बजे के दौरान फिर खत्म हो जाता है। मुझे मस्जिदों की खबर नहीं, मुझे मंदिरों का पता नहीं, मेरी आजिज़ी तो कबूल कर, मेरी आजिज़ी तो कबूल कर, मुझे और दर्द मलाल दे। ये जो घिंट लगे हुए हैं यहाँ पे, हाँ जी कड़े लगे हुए हैं, इनका क्या माना है? ये घिंट बजाते हैं साईं के, बोलते हैं साईं हम तेरे पास आता हूँ, अच्छा। हाजिरी के लिए बजाते रहते हैं, साईं को हाजिर करते हैं, तेम घिंट बजा के तेरे पास। तीन किस्म के घिंट यहाँ लगे हुए हैं, इनकी क्या मांग है? ये एक मंगता है, एक बजाते है, एक नर होता है, एक माजी होती है, अच्छा। ये बजाते जाते एक पास लेडीज बजाते जाती है, एक पास मर्द आते हैं।